नमस्कार। आज रोज मारा ध्यान पर एक बात आई है, एक बे जन फोन पर आया है, तमे जे प्रश्न पूछो मसला में जळूम नी अंदर, तो आज जळूम है ये बंद जळूम है, पेक जळूम है, एमांथी कोई आपणे पाणी उपाड़ी अने कोई स्टोरेज में नाखी अथवा तो सीटी अंदर सप्लाय करता नहीं, ए फक्त जळूम बंद जळूम है। दर वर्षे नानो मोटो वावाजोडू आवे, पवन होय, त्यारे त्या मासलाओ मरवानो अवारनवार बनाव बनतो ज रहे छे। पण एनु पण एक कारण छे के ज्यारे वावाजोडू के साइक्लोन एवी रीतनुं आवे त्यारे हवानी अंदर ऑक्सिजन घटतो होय छे। तमे अत्यारे मीडियामां अने दरेक न्यूजपेपरमां जोता हशो के मोटा तळावो होय के नदीनी अंदर पण मासलाओ वावाजोडा पछी मरी रह्या छे। आजना पेपरमां छे अमदावादनी अंदर मासलाओ मरी गया, तो पाणीनी अंदर ऑक्सिजन घटे, हवा में ऑक्सिजन घटे साइक्लोन में, एटले एना हिसाबे ऑक्सिजन न मळवाना हिसाबे मासलाओ मरता होय छे। अमदावाद साबरमती नदी नी अंदर तो ऑक्सिजन खेंची अने फीडर मूक्या छे नदी नी अंदर के मासलीओने ऑक्सिजन मळी रहे, अत्यारे आजनी तारीखे पण त्यां फीडर चालू छे। एटले साइंटिफिक कारण छे एनु। बाकी अत्यारे जे मासलाओ मळ्या छे एनो निकाल करी रह्या छे, ए जळूम नी अंदर थी सीहोर हद विस्तार नी अंदर कोई पण जग्याए पाणीनो सप्लाय आपणे करता नथी, અને એ પાણી ફક્ત એમાં પડ્યું હોય છે અને એમાં માછલાઓ હોય છે, કદાચ માછલાઓ ઓક્સિજન ન મળવાને કારણે મરી ગયા છે, તો એનો અત્યારે નિકાલ કરી રહ્યા છે। બાકી પાણી પીવાનું જે આવી રહ્યું છે એ શુદ્ધ પાણી પીવાનું મળી રહ્યું છે, એ આપણે વાળાવાળ ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાંથી જે પાણી આવે છે એ પાણીનો સપ્લાય સિટીની અંદર આપણે કરી રહ્યા છીએ। વંદે માતરમ, ભારત માતા।